बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव क्या इन दिनों फिल्म पुष्पा स्टाइल में सियासत कर रहे हैं? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, पिछले कुछ दिनों से आरजेडी कोटे से शिक्षा मंत्री बने चंद्रशेखर पर हमलावर है। लेकिन तेजस्वी यादव ने एक ही झटके में लाइन लेंथ क्लियर कर दिया और बताया कि किसी भी कीमत पर बैक नहीं होंगे बल्कि सरकार को झुका देंगे। अगर ऐसा नहीं होता तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये नहीं कहते कि डिप्टी सीएम ने तो क्लियर कर ही दिया है। पकड़ी हुई है भाई, पकड़ी हुई है। हम मानते हैं कि ठीक है, देश का सबसे पवित्र आप किताब कह लीजिए, ग्रंथ कह लीजिए, देश किससे चलता है? मेरा मानना है कि देश का जो संविधान है वो सबसे पवित्र किताब है और देश जो है संविधान से चलता है और इस संविधान में सबको आज़ादी है कि भाई अपनी बात वो रख सके। लेकिन संविधान ये भी बताता है कि यहाँ हर धर्म का मान और सम्मान जो है किया जाना चाहिए, तो हम लोग हर धर्म का मान और सम्मान करते हैं। इसमें कोई किसी को कोई कन्फ्यूजन होने वाली बात नहीं है, कौन क्या कहता है नहीं कहता है, हम लोग इन चीज़ों पर जो है ज़्यादा गौर नहीं करते, हम लोग मुद्दे की बात करते हैं। दरअसल सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाधान यात्रा के तहत अरवल में थे। रामचरितमानस पर जारी सियासत के बीच सीएम ने अपनी प्रतिक्रिया दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा मंत्री ने गलत बातें कही हैं। फिर नीतीश कुमार ने कहा कि डिप्टी सीएम ने सब चीज क्लियर कर दिया। आगे नीतीश कुमार ने कहा कि किसी भी धर्म के बारे में किसी तरह का बयान देना, टिप्पणी करना गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हालांकि नीतीश कुमार ने अपने बयान में साफ साफ कहा कि मंत्री का बयान गलत है, लेकिन मंत्री पर किसी तरह की कार्रवाई की बात नहीं की। दूसरी ओर उनकी पार्टी के नेता शिक्षा मंत्री के बयान पर पहले दिन से ही हमलावर हैं। उधर तेजस्वी यादव का कहना है कि देश का सबसे बड़ा ग्रंथ संविधान है, देश संविधान से चलता है। डिप्टी सीएम के बयान से साफ है कि वे और उनकी पार्टी पूरी तरह से शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के साथ है और किसी भी कीमत पर झुकने वाले नहीं। देखिए, हम लोग तो काम करते रहते हैं, लेकिन किसी को लगता है तो उसको जो मन में आए वो बोले, उसे हमको क्या लेना देना है? हमको तो कोई मतलब नहीं। आप तो जानते ही हैं कि हम तो यही काम ही नहीं कर रहे हैं। 17 साल से हम क्या कर रहे हैं, तो आप सब लोगों को पता है ना कि क्या किए हैं, क्या करते रहे हैं। जब कोई हमारे साथ रहा है तो उस समय कुछ और बोलता है, अलग होता है तो कुछ और बोलता है, तो बोलने दीजिए। जिस तरह से आरजेडी पे हमला बोला उस पर क्या कहेंगे, बीजेपी के एजेंडे पे काम कर रही है आरजेडी। अब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बयान से तो ऐसा लग रहा है कि महागठबंधन में सब ठीक है, लेकिन जो दिख रहा है वो है नहीं। महागठबंधन के नेताओं के द्वारा जिस तरह बयानबाजी की जा रही है उसे तो यही लगता है कि कुछ भी ठीक नहीं। बड़े नेताओं की ओर से बयान देकर डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। अगर ऐसा नहीं होता तो आरजेडी और जेडीयू के नेता सोशल मीडिया तेजस्वी बनाम नीतीश की लड़ाई नहीं लड़ते।